मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नक्षत्र रहस्य चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में यह जानकारी देने का प्रयास करेंगे कि यदि आपकी नाम राशि सिंह है और लड़की की नाम राशि कन्या है तो क्या आप विवाह कर सकते हैं। यानी कि उदाहरण के तौर पे आपका नाम महेश है, लड़की का नाम कमला है, तो क्या शादी हो सकती है, कितने गुण मिलेंगे। तो यदि आपकी नाम राशि सिंह है और लड़की की नाम राशि कन्या है तो एक का वर्ण क्षत्रिय हो जाएगा, यानी कि लड़के का वर्ण क्षत्रिय रहेगा और लड़की का वर्ण हो जाएगा वैश्य। इसका तो आपको एक में से एक पॉइंट पूरा मिल जाएगा। लड़का जो है वह चतुर्पद का होगा और वहीं पे लड़की होगी वंचर, जो वैश्य का गुण होता है। ये दो पॉइंट होते हैं, इसमें से आपको जीरो मिलेगा क्योंकि दोनों ही कौन किसके वश में रहेगा तो दोनों स्वतंत्र विचारधारा के हैं, तो इसका पॉइंट आपको जीरो मिलता है। अगर तारा की बात करें तो एक का तारा है विपत्त तो दूसरे का है मित्र, यानी कि तीन पॉइंट में से डेढ़ पॉइंट आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा। अगर योनि की बात करें तो लड़के की जो योनि है वह योनि हो जाती है मूषक, और वहीं पे लड़की की जो योनि है वह हो जाती है गाय की, तो ये 50-50 रहेगा, चार में से दो पॉइंट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर ग्रह मैत्री की बात करें तो ठीक ठाक मैत्री है, लड़के की का जो स्वामी है वह सूर्य है और जो लड़की है उसका जो मेन स्वामी है वह है बुध महाराज, तो वहाँ पे आपको पांच में से चार गुण मिल जाएंगे। लेकिन जब बात गण की आएगी तो दोनों का एंटी रहेगा, क्योंकि लड़का तो है राक्षस गण का, लेकिन जो लड़की है जिसकी कन्या राशि है वह मनुष्य गण की होगी, तो ऐसे में आपको पॉइंट नहीं मिलेंगे, छः में से जीरो पॉइंट हो गए। इसके बाद भकूट दोष की बात कर लें तो भकूट दोष में दो द्वादश का संबंध है। कल के वीडियो में मैंने बताया था कि जब किसी की राशि दो बारह पड़ रही हो या छठे आठवें का संबंध बन रहा हो, नौ पंचम का योग बन रहा हो तो भकूट दोष पैदा हो जाता है। ऐसे में विवाह नहीं करना चाहिए क्योंकि भकूट दोष सबसे ज़्यादा दिक्कत देता है संतान के विषय में और धन के विषय में, तो यहाँ पर आपको सात में से जीरो पॉइंट मिलते हैं। इसके अलावा अगर नाड़ी की बात करें तो एक की आदि है एक की अंत है, तो नाड़ी के दोनों के ही गुण आठ में से आठ मिलते हैं, टोटल गुण हुए 16.5 36 में से। तो ऐसे में यदि आपकी नाम राशि सिंह है और लड़की की नाम राशि कन्या है तो विवाह न करें तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि दोनों में काम चलाऊ सरकार तो है लेकिन वैवाहिक जीवन में बड़ा अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि एक का मनुष्य गण है तो दूसरे का राक्षस गण है, दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा तालमेल नहीं बन पाएगा, तो विवाह आप अवॉइड करें तो ही बेहतर है। और अगर आप विवाह कर चुके हैं गलती से किसी के बहकाने में तो मैंने जो कल आपको उपाय बताया था वह दोहराता हूँ। एक चांदी का कड़ा लीजिए, शुक्रवार के दिन सूर्यास्त के बाद पतला सा कड़ा लेडीज के बाएं हाथ में आप धारण करा दीजिए, और पुरुष यदि आप हैं तो अपने दाहिने हाथ में धारण करें। तो उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। कल मिलेंगे, नमस्कार।